जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम राइफल्स की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि असम राइफल्स की तरफ से टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की 616 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता दें कि ये वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, तो दोनों इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देख सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित बुक है, साथ ही में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाती है। परचेस करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर बना सकते हैं। अब चलते हैं आपके असम राइफल्स की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग की तरफ से जारी किया गया, और यहाँ पर आप देखेंगे असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2023 यानी 2023 के लिए यहाँ पे टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट रैली कंडक्ट करवाई जा रही है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डेटेड 20 जनवरी 2023 को से जारी किया गया है, जो कि मैं आप सभी को पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ ही में यहाँ पे अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 17 फरवरी 2023। तो यहाँ पे 17 फरवरी 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 19 मार्च 2023। तो 17 फरवरी से आप सभी लोग असम राइफल्स की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर चुका हूं कि मेल एंड फीमेल दोनों की वैकेंसी है, बाकी का जो इस क्राइटेरिया वगैरह है वो सारी चीजें यहां पे अभी मैं डिस्कस कर लूंगा। मैं बात कर लूं आपकी रैली की डेट की, तो यहां पे जो रैली की डेट है वो टेंटेबली यहां पे आप सभी को अनाउंस कर दी गई है कि 1 मई 2023 से आपकी जो रैली होगी वो कंडक्ट करवाई जाएगी, और यहां पे जो वैकेंसी है बी और सी ग्रुप दोनों की निकाली गई है। तो आप सभी यहां पे देख सकते हैं आपके पास जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, वहां का आपके पास डोमिसाइल या पीआरसी जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, और उसी स्टेट से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है वो स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली गई है, ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस आप सभी को बताया गया कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, साथ ही में इसकी जो पेमेंट रहेगी यानी जो इसकी फीस रहेगी वो SBI बैंक काउंटर के थ्रू आपको यहाँ पे करनी होगी, और यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चालान को अपलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन इसकी फीस जो होगी वो डिडक्ट करवा सकते हैं। तो वो ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही में यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, बाकी का अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 100 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। यहाँ पे आप सभी को PST के लिए सेंटर बताए गए कि आपका जो PST होगा कहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये आपके सेंटर के नाम आपको दिए गए कि असम में कौन कौन सी जगह आपके फिजिकल कंडक्ट होंगे। बाकी का अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपकी जो ट्रेड होगी उसे यहाँ पे PST एंड PET के टाइम या किसी भी स्टेज के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता, यानी जिस ट्रेड के लिए आपने एक बार अप्लाई कर दिया आपको लास्ट तक उसी ट्रेड में रहना पड़ेगा। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ डेट एंड द एज लिमिट, तो यहाँ पे 18 से 23 साल बताई गई है, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए 18 से 25 साल और कुछ पोस्ट के लिए 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया भी रखा गया है। अगर उम्र की गणना की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, तो इसी दिन से आपकी उम्र की गणना होगी, इसी दिन आपका मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो रहेगा इसी डेट से आपका रहना चाहिए। जैसे कि 18 से 23 साल जिन वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है उसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए SC और ST से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को 5 साल और OBC से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल की छूट मिल जाती है। तो ये तो हो गई, साथ ही में यहाँ पे 10% जो वैकेंसी रहेंगी वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी, बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आप सभी को बताई गई है कि जो आपका PST रहेगा उसके बारे में बताया गया। PST फॉर नायब सूबेदार हो गया, आपका जो रिलीजियस टीचर रहेगा, वारंट ऑफिसर हो गया, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट का, वारंट ऑफिसर जो
रेडियो मैकेनिक रहेगा, हवलदार आपका ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का, हवलदार एक्सरे असिस्टेंट, हवलदार सर्वायर एंड आपका राइफलमैन इलेक्ट्रिकल फिटर सिंगल, राइफलमैन लाइनमैन एंड फील्ड राइफलमैन, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल एंड राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन, राइफलमैन प्लम्बर, राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन सफाई एंड द राइफलमैन वॉशरमैन। तो इनके लिए जो आपका यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट है वो आप सभी को बताया गया कि जो भी पोस्ट मैंने आपको बोली है उसका यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। बाकी का जो सीना होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर सीना फुलाकर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का सीना नॉर्मल आपका होना चाहिए। बाकी का अगर आप बिलोंग करते हैं कुमायूं, गोरखा, डोरगा, मराठा से बिलोंग करते हैं, या अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख से, तो आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, 78 सीना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाब यानी 83 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए फुलाकर। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना आपका 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो हाइट क्राइटेरिया रहेगा और वेट आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो वेट होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। साथ ही में अब यहाँ पे बात आती है कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी जो आपका रहेगा नायब सुबेदार ब्रिज एंड रोड के लिए, वारंट ऑफिसर जो कि ड्रॉडमैन एंड वारंट ऑफिसर फार्मेटिस्ट और राइफल बोमैन जो कि फीमेल सफाई कर्मचारी रहेंगी, तो इसके लिए आपको क्लियर कर देते हैं कि इसके लिए आपको कितनी हाइट होनी चाहिए। जैसे कि अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए तो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए और फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ओनली फॉर मेल यहाँ पे देख सकते हैं, और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। रिलैक्सेशन सेम रहेगा 165 रहेगा और वहीं पे फीमेल के लिए अगर बात करें तो 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा अगर इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तब। 78 सीना होना चाहिए, 83 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, ये रहेगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। बाकी का अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं यानी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना 76 से होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। साथ ही में यहां पे जो वैकेंसी है वो राइफल वुमेन फीमेल सफाई की वैकेंसी रखी गई है जिसके लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे जैसा कि देख सकते हैं यहां पे आपका जो होना चाहिए वो जो हाइट होगी आपकी फीमेल कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर आप बिलोंग करते हैं इन स्टेट से, तो वो यहां पे आप सभी को दे दिया गया। साथ ही में यहां पे अगर मिनिमम हाइट की बात करें जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन स्टेट से उसके लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लिया जाता है। साथ ही में यहां पे आप सभी को बताया गया पीएसटी का जो कि हवलदार क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर पीए के लिए रहेगा, तो अगर आप हवलदार क्लर्क एंड पीए के लिए वारंट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दें तो यहां पे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें 165.5 सेंटीमीटर होगा। जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी हो गया या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी, एक इनके लिए 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर दें तो 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए सीना 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पे अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का होना चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट। बाकी का अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। तो ये तो हो गया पोस्ट वाइज, मैंने आप सभी को आपका पीएसटी बता दिया कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई। इसके अलावा यहां पे आप सभी को बताया गया है पोस्ट वाइज आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप सभी को क्लियर की गई है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं फिजिकल यानी पीईटी में आपका क्या रहेगा। तो आप सभी को बता दें कि मेल कैंडिडेट की जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की यहां पे रनिंग होगी और 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग जो रहेगी वो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको यहाँ पे कंप्लीट 8 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी फीमेल कैंडिडेट को। वहीं पे अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट की रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो ये तो रहता है फिजिकल पीएसटी, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कितना लंबाई होनी चाहिए, कितनी चेस्ट होनी चाहिए और कितनी आपकी दौड़ रहेगी, तो वो सारी चीज़ें आप सभी को
यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा जो नंबर सेकंड पे होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में आपका पीएसटी एंड पीईटी कंडक्ट होगा, नंबर सेकंड पे जो होता है वो होता है ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। तो जिस ट्रेड के लिए, जैसे कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ट्रेड टेस्ट होगा, अगर आप क्लर्क हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, तो वही आपका ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट हो जाएगा सेकंड स्टेज में। तो जो कैंडिडेट पीएसटी एंड पीईटी क्वालिफाई करेंगे और ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उन्हें शामिल किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी क्वालिफाई होंगे उन सभी कैंडिडेट का यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी उसके चार गुना कैंडिडेट को टोटल यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ये भी यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है। इसके बाद जो रहेगा वो रहेगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। और लास्ट में आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पे स्केल के बारे में आप सभी को बता दिया गया कि सम रेफरल्स के जो कर्मचारी हैं उनको जो सैलरी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो सैलरी होगी वो प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही में नंबर ऑफ जो वैकेंसीज रहेंगी वो घट बढ़ सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे इनके पास सम रेफरल्स के पास अपना राइट रहेगा, तो कभी भी वैकेंसी को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे क्राइटेरिया देखना होगा। अगर आप इसको पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको वेबसाइट दिख रही है नीचे, आप उसे सर्च कर लेना, वहां पे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं कुछ पोस्ट के लिए आप सभी को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि देखिए ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे मैट्रिक पास होना ही चाहिए, साथ ही में नंबर सेकंड पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल होना चाहिए, 1 जनवरी 2023 से काउंट होगा। रिलीजियस टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट चल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ये संस्कृत और भूषण में आपके पास होना चाहिए। अगर ट्रेड के लिए क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में इनिशियल रैंक देख सकते हैं हवलदार की रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इंटरमीडिएट, यानी कि 12th आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होता है, जिसके लिए आप सभी को क्लियर कर दिया गया कि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग करने के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट है 18 से 25 साल, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट हो सकती है। अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही में अगर बात करें यहाँ पे आपका ऑपरेटर रेडियो लाइन के लिए, तो यहाँ पे ओनली 4 मेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल रैंक रहेगी आपकी हवलदार की। 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन हो या आपके पास 2 साल का फिर यहाँ पे ITI आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप सभी को एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 12th क्लास अगर आपने पास कर रखी है और साथ ही में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th में अगर आपने PCM से अगर पास कर रखा है 12th, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है तो 10th पास और ITI आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल रहेगा। साथ ही में सेम आपका जो रेडियो मैकेनिक रहेगा, इसके लिए भी अगर आपने 12th पास कर रखी है PCM से तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 18 से 23 साल रहेगा। ओनली 4 मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी और इनिशियल रैंक रहेगी आपकी वारंट ऑफिसर। बाकी का अगर आप इसके लिए बिना 12th के पास करना वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो एंड टेलीविजन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो बोथ कैंडिडेट के लिए है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी इंटरमीडिएट यहां पे आपकी होनी चाहिए, यानी कि 12th आपने पास कर रखा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहां पे आपको जो होना चाहिए वो शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें डिक्टेशन जो आपका रहेगा 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन जो टाइम रहेगा वो 50 मिनट आपको दिया जाता है और 65 मिनट दिया जाता है हिंदी के लिए। एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल, यानी शॉर्ट हैंड वाले जिन्हें आती है वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का नर्सिंग असिस्टेंट हो गया तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। राइफल में इनका रहेगा क्वालिफिकेशन केवल 10th पास है, लेकिन यहाँ पे आपके पास इंग्लिश मैथ एंड साइंस एंड बायोलॉजी यहाँ पे होना चाहिए, तो आपकी एज 18 से 23 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में इसी तरीके से हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास होना चाहिए, बट यहाँ पे इंग्लिश मैथ साइंस एंड बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए, 18 से 23 साल आपके पास होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं जिसके लिए सिंपल अगर आपने 10th एंड 12th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी की पूरी डिटेल दी गई है। वॉशरमैन के लिए केवल यहाँ पे 10th पास मांगा गया है और 18 से 23 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। ये वहीं पे अगर मैं फीमेल सफाई की बात करूं तो 10th
टेंथ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल एज है। बारबर के लिए भी टेंथ पास अप्लाई कर सकते हैं, कुक के लिए भी टेंथ पास अप्लाई कर सकते हैं, सफाई के लिए भी टेंथ पास अप्लाई कर सकते हैं, एक्सरे असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आप सभी के पास 12th पास होना चाहिए, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में, तभी अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी 10th पास के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, तभी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपके पास होना चाहिए, फिटर के लिए भी होना चाहिए, और लाइनमैन के लिए भी बात करें तो लाइनमैन के लिए भी ITI होना चाहिए आपके पास। रॉडमैन के लिए अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए और यहाँ पे 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल आपका रखा गया है। तो लगभग मैंने हर एक वैकेंसी के बारे में, हर एक पोस्ट वाइज मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी डिटेल है वो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी डिटेल दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है और आपको अपनी स्टेट से ही अप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बिहार का देख सकते हैं, फिर इसके अलावा स्टेट में ये वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 17 फरवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दी है, उम्मीद करता हूं कि पूरी जानकारी एकदम से क्लियर हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।